भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शेट्टी के अटूट प्रयास से पद्मनगर के वासियों को हर गली में गटर की नालों की पूरी मरम्मत, सीसी रोड्स और कई जगहों पर पेवर ब्लॉक लगवा रहे। संतोष शेट्टी का जनसेवा कार्य बहुत ही अच्छा है। जनता भी संतोष शेट्टी से बहुत खुश है। संतोष शेट्टी पूरे पद्मनगर को अपना घर समझते हैं। आज विनायकम हॉस्पिटल के अंदर साई लीला अपार्टमेंट पूरा परिसर के अंदर सीसी पेवर ब्लॉक लगवा रहे। संतोष शेट्टी ने स्थानीय जनताओं से मिलकर आज उसका भूमि पूजन किए है। स्थानीय जनता सभी लोग संतोष शेट्टी को अपने दिल से शुक्रिया अदा किया है। और उसी तरह पद्मनगर आनंद ज्वेलर्स के बाजू वाली गली वासम अपार्टमेंट पूरा परिसर में रोड खराब हो जाने से जनताओं को आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयां हो रही थी। संतोष शेट्टी को स्थानीय जनता कहा तो उसका भी पूरी तरह से सीसी पेवर ब्लॉक लगवा रहे। स्थानीय जनता को संतोष शेट्टी ने कहा कि देखिए ठेकेदार राकेश पटवारी यहाँ काम कर रहे हैं, उससे काम करवा के लेना जनता का कर्तव्य है। जनता अपना ध्यान केंद्रित करके इनसे काम करवा के ले, ऐसा सभी को कहा है। पूरे विधानसभा में जहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम है और लोग हमको गए 6 महीने से ये सब तकलीफ दिखाया था, अच्छा से की वजह से बहुत से काम हो नहीं सका था, लेकिन हम लोग ने सभी जगह टेंडर खोल के अच्छा सहायता जाने थे। जब वर्क ऑर्डर हो गया था आज सब जगह काम चालू हो रहा है और आज गटर है, ब्लॉक है, ये जो सोसाइटी से बड़ी बड़ी हमें टैक्स पे करते, लेकिन महापालिका की परिस्थिति ख़राब है। लेकिन महापालिका के सहयोग से हमारे कमिश्नर हो, हमारे इंजीनियर लोग हो और गवर्नमेंट में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे अजीत पवार, ये सभी के अच्छे सहयोग से एक फंड हम लोग ने लिया है और उसका सब जगह जहाँ जहाँ जरूरत है पूरे विधानसभा में 16 नंबर 17 नंबर वहाँ हम पूरा कर रहे हैं उसको। सोसाइटी वाले खुद करना चाहिए, बिल्डर करके देना चाहिए, जो आप कर रहे हैं। देखो ये सोसाइटी मतलब कहाँ है सोसाइटी, सोसाइटी ये सोसाइटी थोड़ी बोलते हैं उसको। आज एक ऐसा कायदा आया कि अपने को टैक्स पे लोगों तुम वहाँ पे जाके काम करते थे जी आर आला में और उन लोग सब टैक्स पे करते, बहुत से सहूलत देते नहीं हम लोग उनको, लेकिन अब जहाँ जहाँ अभी से ये पूरा ये सोसाइटी बोल सकते नहीं, बहुत जूना पद्मनगर इसको बोलते हैं, ये मेन जूना पद्मनगर और मेन मालिक लोग पद्मनगर के मेन, अगर मालिक लोग बोलेंगे तो यहाँ से मार्केट चालू होता है बिरेन शेड और बिंदा सेठ, ये सब मालिक लोग हैं। ये खुद के मेहनत से उन लोगों ने बिजनेस खड़ा किया, खुद के मेहनत से बिल्डिंग खड़े, हमारे नरसम्मा कोंडा मुंडा मुनकोंडा के डैडी है, अच्छा सभी लोग, ये मेन भिवंडी है। और यहाँ पे काम बहुत दिन से नहीं हो रहा था, लेकिन जो जो तकलीफ है आप देखते हो कितनी गंदा है यहाँ पे चारों तरफ, तो ये गंदगी सब दूर हो जाएगी और इनका हक इनको दे रहे। सबसे अच्छा टैक्स पे भिवंडी महापालिका पाभाग 3 में जाता है, ये पूरा भाग है हमारा, तो उनको सहूलत भी मिलना चाहिए, वो हिसाब से हम लोग उनको सहूलत दे रहे हैं। ये निधि किसकी है? ये निधि गवर्नमेंट की है, महापालिका के माध्यम से हम लोग ने उसको मांगनी किया था मेरे लेटर पेड में, जिसको सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे देवेंद्र जी और हमारे अजीत पवार बाउंग कुल के एक अच्छे पेतक प्रयास से मुझे सब फंड मिल गया। आप बनाते हैं जनता उसको बराबर रखने पाती, जनता क्या करती है? एकदम गलत, हमारी पद्मा की जनता हर चीज़ बराबर रखती है, हमारी पद्मा की जनता कभी गलत कोई काम नहीं करती। हमारी पद्म भिवंडी मुझे लगता है पद्मा की ऐसा एरिया है कि जो कचरा मुक्त 95 में चुन के आने के बाद हो गया था, नहीं तो पूरे पद्मा कचरा था। आज रस्ता रुंदी में जो हिसाब से सपोर्ट कर रहे, अपने घर कोई ने भी तोड़ के दिए, आज तीनों रोड जो मेरे नेतृत्व में काम हो रहा है तीनों रोड लोग ने घर भी तोड़ के दिए और आज रास्ता पूरा बन रहा है। ये मैं वो पद्मनगर के हर एक आदमी को, नागरिक को, युवा को बहुत धन्यवाद दूंगा। जब भी कोई काम मैं हाथ में लेता हूँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए पद्मनगर का बहुत बहुत धन्यवाद।